नमस्कार पशुपालक भाइयों और बहनों, आज के हमारे इस वीडियो का विषय है थाइलेरियोसिस रोग। हमें ना रेगुलरली कमेंट्स आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे कि थाइलेरियोसिस इस विषय पर वीडियो बनाइए। हम कुछ पशुपालकों के नाम भी यहाँ पर लेना चाहेंगे। ओम प्रकाश जी जाधव जी ने हमें पूछा है, फिर हमें भारत परिहार जी ने पूछा था, वृंदा जी ने पूछा था, उसके बाद भजन लोधा जी ने पूछा है, दीपक कुमार जी ने पूछा था, अरुण जोशी जी का भी कमेंट था। हम सबके नाम तो नहीं ले सकते हैं, पर कुछ चुनिंदा लोगों के नाम हमने लिए हैं। थाइलेरियोसिस इस रोग को चीचड़ी रोग भी कहा जाता है। ये रोग परजीवियों से होने वाला रोग है। ये रोग थाइलेरिया नामक परजीवी से होता है। ये परजीवी रक्त में पाया जाता है। ये रोग पशुपालकों के लिए आर्थिक हानि का एक कारण है, क्योंकि इसमें दूध उत्पादन घटता है और दुधारू पशुओं की मृत्यु होती है। भारत में अकेले थाइलेरियोसिस के कारण अनुमानित वार्षिक नुकसान लगभग 80 करोड़ रुपए है। इस रोग को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसे ईस्ट कोस्ट फीवर कहते हैं, फिर रेड वाटर डिसीज कहते हैं मतलब कि लाल पानी, फिर रोडेशियन टिक फीवर कहते हैं, क्योंकि ये रोग टिक से फैलने वाला है, जिसे हम हिंदी में कीलनी कहते हैं। दुधारू जानवरों को संक्रमित करने वाली थाइलेरियोसिस की कई प्रजातियां हैं, पर उनमें मुख्य है थाइलेरिया एनुलेटा और थाइलेरिया पार्वा। थाइलेरिया पार्वा जो है वो अफ्रीकन देशों में पाया जाता है, और इससे जो रोग होता है उसे ईस्ट कोस्ट फीवर कहते हैं। और वही हमारे एशियाई देशों की अगर बात करें, मतलब कि स्पेशली भारत की बात करें, तो यहाँ पर थाइलेरिया एनुलेटा ये प्रजाति पाई जाती है, और इससे होने वाले रोग को ही थाइलेरियोसिस कहा जाता है। याक में भी दिखाई देता है, और इस रोग का संक्रमण लो डिग्री में भैंसों में भी देखा जाता है। बोवाइन थाइलेरियोसिस नाम से ही आपके समझ में आया होगा कि ये रोग डेयरी पशुओं में होता है, उनमें भी मेनली विदेशी और संकर दुधारू पशुओं में पाया जाता है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उसी के साथ साथ दूध के उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है। इसे पूरा करने के लिए अधिकांश पशुपालक विदेशी और संकर गाय को, संकर नस्ल की गाय को पालना पसंद करते हैं, और वही मार्केट की नीड भी है। हमारे देश में उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण ये विदेशी और संकर नस्ल के कुछ पशुओं में रोगों के प्रति ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, जिसमें थाइलेरियोसिस भी एक है। सभी आयु के विदेशी दुधारू पशु इस रोग के लिए संवेदनशील है। वयस्क संकर दुधारू पशुओं में भी इस रोग का प्रादुर्भाव ज्यादा देखा जाता है, पर विदेशी दुधारू पशुओं की तुलना में ये कम है। देसी दुधारू पशुओं में इस रोग के केसेस बहुत ही कम मिलते हैं, पर उनमें भी युवा दुधारू पशुओं में इस रोग को ज्यादा पाया गया है। गर्भवती मादाएं और युवा पशु इस रोग के लिए ज्यादा संवेदनशील होते हैं। थाइलेरियोसिस इस रोग को फैलाने में एक कीलनी की भूमिका है। तो कीलनी मतलब कि जिसे हम चिचड़िया भी कहते हैं, तो ये चिचड़ियों द्वारा फैलने के कारण इस रोग को चिचड़ी रोग भी कहा जाता है। इस कीलनी का नाम है हाइलोमा। थाइलेरियोसिस रोग इस कीलनी द्वारा ही फैलाया जाता है। इस रोग की बाधा स्वस्थ पशुओं के संपर्क में संक्रमित पशु आने के बाद स्वस्थ पशु को जनरली नहीं होती है। ये रोग मुख्य रूप से गर्मी और वर्षा ऋतु में ज्यादा पाया जाता है, मतलब कि मई से अक्टूबर तक का जो समय है वो इस रोग के लिए ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता इस चीचड़ियों के विकास के लिए सर्वोत्तम वातावरण की निर्मिति करते हैं। ये पशुओं के शरीर पर चिपक कर खून चूसती है, और संक्रमित पशुओं के खून से ही स्वस्थ पशुओं में इस रोग को फैलाती है। पशुपालकों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस रोग में पशु क्या लक्षण दिखाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो है कि शारीरिक तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। शरीर का तापमान बहुत तेजी से 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पशुओं का जो शारीरिक तापमान है वो कैसे आप अपने फार्म पर कैसे ले सकते हैं, इस विषय पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसे देखना ना भूले। हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। लिम्फ नोड्स जो है वो सूज जाते हैं, खासकर शरीर के उस एरिया के लिम्फ नोड्स पर सूजन आती है जिस एरिया में ये टिक पाई जा रही है। लिम्फ नोड्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पशुओं की भूख कम हो जाती है और पशु खाना कम खाने लगते हैं। हार्ट रेट जो है मतलब कि हृदय की गति, रेस्पिरेटरी रेट, श्वास की गति दोनों भी बढ़ जाते हैं। नाक से स्राव आने लगता है। जैसे जैसे रोग अगली स्टेज में जाएगा वैसे वैसे ये स्राव थोड़ा गाढ़ा बनता हुआ जाएगा। आंख से आंसू आते हैं और जैसे रोग आगे बढ़ता जाएगा आंखों का ये जो काला भाग होता है ना जिसे कॉर्निया कहा जाता है उस पर सफेद लेयर आ जाती है जिसे कॉर्नियल ओपेसिटी कहा जाता है। कुछ पशुओं में खांसी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। डायरिया जैसे लक्षण भी आपको दिखाई देंगे। इसकी वजह से पशु कमजोर हो जाते हैं और इस दस्त में कभी कभी रक्त भी आता है या फिर म्यूकस मतलब कि सफेद कलर का जिसे हम श्लेष्मा कहते हैं वो भी पाया जाता है। दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाता है और काम करने की पशुओं की कार्य क्षमता भी कम हो जाती है बहुत कम केसेस में। पर कुछ पशुओं में नर्वस सिस्टम से जुड़े लक्षण भी दिखाई देते हैं जैसे कि पशु सर्कलिंग के लक्षण दिखाई देता है मतलब कि पशु गोल गोल घूमता है। कुछ समय पश्चात पशुओं का बुखार कम हो जाता है और शरीर में रक्त की कमी होने के कारण अनीमिया मतलब कि अनीमिया के लक्षण या फिर हम जिसे अनीमिया कहते हैं वो भी दिखाई देता है। इस परजीवी द्वारा काटने के पश्चात संक्रमण होने में 6 से 8 हफ्ते का समय लगता है। ये परजीवी पशु के खून में है तो पशु का शरीर इन परजीवियों को मारने की कोशिश करता है। परजीवी पशुओं के लाल रक्त कोशिकाओं में है मतलब कि रेड ब्लड सेल्स में है तो पशु अपने ही रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश इस प्रोसेस में भारी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो रही है और इसकी वजह से पशुओं में अनीमिया हुआ है। अनीमिया में पशु जो लक्षण दिखाते हैं जैसे कि इनका योनि मार्ग अगर खोलकर देखेंगे तो थोड़ा सफेद पीला दिखाई देता है। आंखों का कंजंक्टिवा सफेद दिखाई देता है। वही स्वस्थ पशुओं में यह हल्के गुलाबी रंग का होता है। अनीमिया की वजह से पशु सुस्त हो जाता है। चराई के समय भी ये पशु सबसे पीछे होता है। अनीमिया के साथ साथ पशुओं में पीलिया के लक्षण भी दिखाई देते हैं जैसे कि आंखें पीली हुई है, पशुओं का मूत्र पीला दिखाई देता है। आगे चलकर पशु की मृत्यु भी होती है और मृत्यु का प्रमाण गर्भवती मादाओं में ज्यादा है क्योंकि बयान के 20 से 25 दिनों के बाद ये रोग ज्यादा मिलता है क्योंकि इस समय पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। जो दुधारू पशु इस रोग का संक्रमण होने के बाद स्वस्थ होते हैं, इस रोग से रिकवर होते हैं, ऐसे पशु इस रोग के वाहक के रूप में काम करते हैं।